This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioned at Shalibanda, Hyderabad. और पुराना पुल जाने रास्ते पे एक डीसीएम लोडेड अफजलगंज से ट्रांसपोर्ट से निकले के पिब्बर के जाने के समय इधर मेन रोड पे रोड डिवाइडर को सेंटर मीडियंट को डैश दे के टोटल हो गए नीचे गिर गया और ड्राइवर को माइनर इंजरी हुआ। ये ड्राइवर का रैश नेग्लिजेंस है। अब भी सब मिल के हमारा दो इंस्पेक्टर हमारा कारपोरेटर साहब और सोहेल अख्तर सोहेल खादी साहब और अपना सब लोग मिलके पब्लिक विद कोऑपरेशन से वो क्रेन को हटाया। वो नीचे गिरे सो डीसीएम कैरेज को फिर एज इट इज उठा के रखे। अब उसको शिफ्ट करके वो बाद में लीगल कार्रवाई करते। सर किसी को जानी नुकसान हुआ है क्या? किसी को जानी नुकसान हुआ है क्या? इसलिए नहीं नुकसान हुआ, ड्राइवर को थोड़ा लाइट इंजरी माइनर इंजरी। ये प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है साहब? ये प्राइवेट है, प्राइवेट है। ये कह का लोड का गाड़ी है साहब? ये एसेंशियल कमोडिटीज है। एसेंशियल कमोडिटीज मीन्स किराना सामान का है पूरा किराना सामान का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वरकातुहू। मैं साहिल अकबर, घांसी बाजार लीडर, ये पुराना नुमाइंदा कॉरपोरेटर। पुराने पुल सिटी कॉलेज से पुराना पुल जाने वाली रोड पर एक गाड़ी डिवाइडर लोडेड गाड़ी डिवाइडर को लग के पलट गई थी। इतला मिली कि फला ऐसा ऐसा हुआ तो मैं फ़ौरन स्पॉट पे आया। स्पॉट पे आके बहादुरपुरा ट्रैफिक पीएस लाइन ऑर्डर पीएस पूरा से बातचीत हुई। अब क्रेन लग के गाड़ी पलटने वाली है। दो किरण लगा के गाड़ी पलटा रहे हैं। बड़ी गाड़ी फुल लोड वाली और इतनी ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक थी रोड पे। पूरी साफ नहीं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खाली ड्राइवर अंदर बैठे हुआ था, हम उसको निकाल लिए। कैसा हुआ भैया ये? कैसा हुआ गाड़ी कटने हुआ डरने हुआ, गाड़ी हैंडल नहीं पलटी करते। गाड़ी का कुछ ब्रेक व्रेक कुछ फेल था क्या? गाड़ी लग गया, कट गए तो नहीं कट हुआ। हाँ बीच के ले गए बोलते। अच्छा मारा ज्यादा लगेगा आपको? कहाँ पर लगा मार? क्या नाम है आपका? बालराज। कहाँ पर रहते आप? महबनगर। क्या लोड है गाड़ी का? ये राशन का सामान है। लारियों का सामान है? राशन का सामान हुए। तो गवर्नमेंट का तरफ से आया तो गाड़ी है ये? अच्छा ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का गाड़ी है। तो आप महबनगर में रहते? महबनगर का आगे मुसापेट में। यहाँ पर कोई भी नहीं है अभी? कोई नहीं आ रहा। गवर्नर साहब का नुकसान हो रहा है 50-60 हज़ार का, मीडिया वालों से लेके दीजिए।